ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। जहां नगर निगम के कूड़ेदान में भीषण आग लग जाने की वजह से निकलने वाले काले धुएं से ताजमहल को नुकसान हो रहा है, वहीं आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली धुएं की भट्टियां और ऐसी गतिविधि जिससे धुआं निकलता हो उन पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। रोक का कारण ताजमहल को हो रहा नुकसान है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए कूड़ेदानों में लगभग रोजाना भीषण आग लग जाती है, जिससे नगर निगम अनजान बना हुआ है। वीडियो में काला धुआं फेंकता यह नगर निगम का डस्टबिन ताजमहल के बिल्कुल पास है, जहां से गुजरने वाले राहगीर जुबरान कुरैशी ने बताया कि डस्टबिन में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें से काला धुआं लगातार निकल रहा है और आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ताजमहल बराबर में है और जगह क्या हाल कर रहा है। यहाँ पे डस्टबिन के अंदर कूड़ा भर दिया है इन्होंने और आग लग रही है, तो क्या हालत हो रही है इस रोड की और धुआं निकल रहा है, बहुत तेज आग लग रही है यहाँ पे। और ताजमहल है वाइट और काला भी पड़ सकता है, ताजमहल पर कोई फर्क पड़ सकता है इस चीज़ पे, उसको देखना चाहिए, नगर निगम वालों को भी देखना चाहिए, कोई देखभाल कुछ भी होती है यहाँ पे। ताजमहल के पास नगर निगम के कूड़ेदान में लगने वाली आग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई कूड़ेदानों में नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ताजमहल को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।